विटामिन डी, काय का विटामिन डी पूरा तो कवर कर दिया, लेकिन जितना भी है उतना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी अभी थोड़ा सा गर्म हो गया हूँ वार्म अप करते करते। 61 कैलोरीज बर्न हो चुकी है एंड 10 मिनट्स हमने अभी तक 10 मिनट्स के लिए खेला है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ अभी दिखेगा शायद। सो 10 मिनट्स आर ओवर एंड 62 कैलोरीज बर्न हो चुकी है और बहुत अच्छे से खेल रहे हैं क्योंकि अमित ने आज नया बैडमिंटन लाया है तो खेलने में मज़ा आ रहा है। आज स्निग्धा कैमरा पकड़े हुए है, आप एक बार देख लीजिए वो सुबह सुबह कितना अच्छा तैयार होके आई है। ये देखिए एक्चुअली शी इज नॉट हियर टू प्ले द गेम, ज़्यादा नहीं खेलने वाली, वो बाहर जा रही है तो थोड़ी देर के लिए आ रही है, अभी जाएगी। तो चलो मैच स्टार्ट करते हैं और बहुत दिनों के बाद हम खेल रहे, शायद एक हफ्ता क्योंकि वो स्कूल का चालू है, शायद अभी अगले संडे खेलेंगे तो संडे टू संडे, हाँ दो हफ्ते का छुट्टी हो गया शायद। अमित बोल रहे दो हफ्ते, उसके तरफ दिखा एक बार, हाय कर ले। हाँ तो शायद दो हफ्ते हो गए हमने नहीं खेले, अभी अगले संडे खेल पाएंगे शायद। तो संडे टू संडे चल रहा है इस महीने, अगले महीने थोड़ा सा वर्कलोड का मैं एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल कर दिया, तो ऐसे ही होता है अप एंड डाउन। चलो खेलते 5 6 7 गो। हाँ कहीं का डांस चालू है 5 6 का ही अड़ाई लगे। शायद कुछ तो 13 तक आ गया है टेम्परेचर, अभी पता नहीं क्या होने वाला है दिसंबर में। गाइस अभी स्निग्धा एंड अमित खेल रहे हैं, मेरा टर्न हो चुका है, मैं थोड़ी देर धूप सेक रहा हूँ। बढ़िया लग रहा है, विटामिन डी, काय का विटामिन डी पूरा तो कवर कर दिया, लेकिन जितना भी है उतना विटामिन डी अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल तो स्निग्धा एंड अमित खेल रहे, देख लो ये देखो प्रो जोड़ी, स्निग्धा इज बिकमिंग प्रो। अभी व्लॉग एंड कर रहा हूँ सुबह का, अभी थोड़ी देर के बाद इंस्टीट्यूट में जाके मिलते हैं। आज मैं मैच जीता, स्निग्धा थोड़ी देर खेली ऐसी टाइम पास के लिए, तो फिलहाल तो अभी घर जा रहे एंड इंस्टीट्यूट में जाने के बाद फिर से आपसे बात करता हूँ। आज मिष्टी का थोड़ा काम करवाना है, फिर एडिटिंग का काम है, बहुत सारे काम है। आज अमित भी बाहर जा रहा है, स्निग्धा भी बाहर जा रही है, वी आर ऑल ओन इन इंस्टीट्यूट, सो अपन गप्पे लड़ेंगे। चलो चलते से बाय, या अभी शायद ही दिख पाएंगे आपको, ये दो पैर तक दिखेगा बीच बीच में कभी, तो ये अभी कल ही दिखेगी, तो 24 घंटे के बाद इसको मिलते हैं अपन। बाय, हैप्पी जर्नी। चलो गाइज वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तो सुबह खेलने के बाद नहा धो के फ्रेश होके इंस्टीट्यूट में आया, इंस्टीट्यूट में एडिटिंग का काम था अपने व्लॉग का, नहीं स्कूल का, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ
बट उसको स्टार्ट करके थोड़ा सा फिर से रोक दिया क्योंकि टाइम हो चला था अपने मिस्टी का काम करवाने का। तो उन्होंने मुझे बुलाया अभी, तो देखते हैं किस तरह से क्या क्या होता है। तो वही जा रहे हैं अभी हम, तो शायद आज दिन भर मिस्टी वहीं पे रहेगी, फिर उसके बाद मिस्टी को वॉश करके तैयार करके कल सुबह मुझे तैयार होके निकलना है। तो काम तो बहुत ज़्यादा है, टाइम तो बहुत कम है, सो वी हैव टू वर्क फास्ट। चलो अभी चलते हैं और मिस्टी को पूरी तरह से बेस्ट तैयार करके लेके आते। बेचारी मिस्टी बहुत दिन से थोड़ी बीमार है ना, तो उसको भी दवा पानी चाहिए। तो गेट वेल सुन मिस्टू, ऐसे मिस्टू को बोल देना आप कमेंट बॉक्स में। तो चलो चलते। तो गाइज फाइनली अपनी मिस्टी को डॉक्टर मिल गया, अभी वो बीमार थी तो वो उसको अच्छा करेंगे, तो उसका काम चालू हो चुका है थैंक्स टू केतन सर एंड द टीम। तो आपको दिखा देता हूँ किस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे काम हो चला है चालू, और ये देखिए अपने मिस्टी का क्या अभी हाल होने वाला है। पूरी खुल चुकी है, नहीं खोलने की कोशिश चालू है अभी। In this green shirt, here is the Ketan sir and his team is here. They both work very hard for our car and hopefully वो पूरा ठीक हो जाए आज ही। तो कुछ इस तरह से अभी मिस्टी लग रही है अपनी, पूरी तरह से उसका इलाज चालू हो चुका है। अंदर का काम थोड़ा होने के बाद अभी ये बाहर का काम चालू है। क्या आप ये देख सकते हो गाइस अपनी मिस्टी की हालत अंदर से क्या हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे था एसी का पूरा तामझाम। तो ये इसको छू के एक बार फोटो निकालना तो बनता है फील करने के बाद, क्योंकि इसको फिर दोबारा टच नहीं करेंगे अपन। ये देखिए क्या हालत हो चुकी है अपनी, और यहाँ पे ये देख सकते हो गाइस अपने कॉइल की क्या हालत हो चुकी है। तो इसी की वजह से इतना सारा तामझाम चालू है और इसी ने प्रॉब्लम देना स्टार्ट किया। तो अभी आप बाहर निकाल के देखेंगे क्या हो रहा है इसके साथ। ये देख सकते हो क्या हालत हो चुकी है इसकी, क्या ही बचा। और ये देखो अपना नया कॉइल आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन बिफोर आफ्टर आप देख सकते हो। एक मिनट यहाँ पे पकड़ो ये, हाँ ये देख लीजिए।
गाइस अपना कॉइल अभी वहाँ पे फिट हो चुका है और ये अभी सब रिवर्स काम चालू होगा, पहले निकालने का अभी बिठाने का। फिर भी और 2 घंटे लगने वाले। इस तरह से कुछ काम चालू है यहाँ पे और ये सर जी ने हमें सब्सक्राइब कर दिया है तो ये हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे केतन सर है, आपका नाम क्या भैया? गणेश सर है यहाँ पे, तो अभी उनको भी सब्सक्राइब करवाएंगे अपन। मिस्टी का काम तो हो चुका है, अभी अपना वॉशिंग का काम चालू है। एसी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, शी इज़ वेल एंड फाइन। सिर्फ अभी बाकी है तो क्लीनिंग, तो वो होने के बाद फिर सुबह का खाना खाने जाना है और फिर एडिटिंग का काम बचा हुआ है। आज बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है तो थोड़ा टाइम का थोड़ा सा इशू है आज, फिर भी करते चलो।